अफगानिस्तान वर्ल्ड कप के सबसे बड़े उलटफेर के करीब है। जी हां, हम आपको बता दें कि वर्ल्ड कप के मैचों से शुरू होने से पहले प्रैक्टिस मैच चल रहे हैं और ऐसे में आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो मैच चल रहा है उसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ हार की कगार पे है और ऐसे में अगर पाकिस्तान को हार मिली तो ये समझ लीजिए वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी सबसे बड़े उलटफेर से। जी हां, पाकिस्तान ने अपने निर्धारित 50 ओवर में बाबर आजम के शानदार शतक की बदौलत 263 रन बनाए थे और ऐसे में जब बाबर आजम ने 112 रन की पारी खेली और शोएब मलिक ने 44 रन की पारी खेली तो उम्मीद की जा रही थी कि आसानी के साथ पाकिस्तान इस प्रैक्टिस मैच में अफगानिस्तान को हरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा है। और आपको बता दें, हजरतुल्ला जजई के शानदार 28 गेंदों पे 49 रन और रहमत शाह के 32 रनों की बदौलत कहीं ना कहीं काफ़ी करीब पहुंच चुकी है अफगानिस्तान, क्योंकि उसके पास 20 से ज़्यादा ओवर हैं और उसे मात्र 100 रनों से भी नीचे का स्कोर बनाना है और इस समय विकेट भी उसके हाथों में 8 हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि आज अफगानिस्तान अपने वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर करने जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि इस हार से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को निस्तय नाबूद हो सकता है और 16 जून को जो भारत से वर्ल्ड कप का ऑफिशियल मैच खेलना है उसके लिए भारत को बड़ी कहीं ना कहीं जीत मिलेगी। तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि क्या उलटफेर कर पाएगा अफगानिस्तान या नहीं, और साथ में ही अब वर्ल्ड कप से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए डेली डाई न्यूज से जुड़ जाइए और अपना फोन नंबर भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए, क्योंकि हम भी आपको जोड़ेंगे फोन लाइन के थ्रू जब भी डेली डाई न्यूज लाइव होगा और आपके हम राय और आपके सवालों का जवाब भी देंगे। तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में जितना हो सके अपना नंबर और नाम लिखना बिल्कुल ना भूलिए।